वेलकम टू माय फ्रेंड्स और मेरे चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है। और आज तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने अपनी वीडियो लेके आई हूँ और बनाई है, क्योंकि मैं करीबन 10-15 दिन से बीमारी चल रही थी। मुझे फीवर था बहुत ज़्यादा, तो ड्रिप वगैरह लगी है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, ना ही मैं बाड़े में आई थी। और दीदी सारा जो काम है वो अकेले कर रहे थे। ये दीदी जो पहले आ गई थी, उन्होंने सारा जो गोबर है वो इकट्ठा कर दिया था, और अभी ये इसको पिला रहे हैं पानी सबको। और ये हमारी गाय, मैंने बताया था आपको, ये एक दो दिन में बस अब सूजेगी। देखिए सूने वाली तैयार है ये। और फ्रेंड्स ये मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया चार्ज हो रहा है, इसको हम हर रोज़ चार्ज करते हैं। और ये मेरी गैया जो देख रही है अभी दाना कि आएगा कब और कब मैं दूंगी दूध, तो अब डालते हैं इसके लिए दाना। देखिए ये ना 3 से 4 डिब्बे डालूंगी मैं अभी दाने के। फ्रेंड्स ये डाल दिया अभी दाना, अब इसको डालेंगे गाय। ये डाल दिया दाना और अब निकाल रहे हैं दूध दीदी। थोड़ा पानी पड़ेगा, लग रही है। ये दूधी जो दूध है वो निकाल रही हैं, मैं नहीं निकाल रही क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी दोनों मैं थोड़ी वीकनेस है फील कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं मैं दूध निकाल रही। तो एक दो दिन में तो मैं निकालना फिर शुरू कर दूँगी। और अब हमारी दूसरी गाय भी ब्याने वाली है, सोने वाली है, तो इसलिए तो अब तो डबल काम हो जाएगा फिर हमारा। वैसे तो दीदी कई दिन से अकेले ही कर रहे हैं सारा काम, तो आती थी बीच में लेकिन कमी आती थी। ये गाय ना आजकल थोड़ा पैर ऊपर नीचे करने लगती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के ना डाल देते हैं तभी। ये दीदी आज थोड़ा थोड़ा दूध रख रही है, इसमें डाल रही हैं क्योंकि ना गायें बार बार से आज पैर उठा रही है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही निकाल के बाल्टी में उसको अलग से डोली में डाल दें बस। सब बस निकल गया। हमारी गाय ना थोड़ा दूध भी कम हो गया आजकल ना, पता नहीं क्यों। और अभी हमारे घास जो नौकर है वो लेके आ चुके। ये हमारा कालू है और ना इसके कान पे ना कुछ हो गया है। ये शेरू इधर रो रहा है कि मुझे दूध नहीं दिया, इसके कान पर ना कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर ने अभी इसको देने के लिए दी है दवाई, तो वो हम दूध में डाल के उसको पीस के फिर देते हैं। तो इसीलिए कालू को, शेरू को हो गया जेलसी कि इसको दूध डाल दिया, मुझे अभी दूध नहीं डाला।